हिमाचल में कई दिनों से जारी लगातार बारिश और बाढ़ के कहर के बीच सभी ओर हाहाकार मचा हुआ है। आंकड़ों की बात की जाए तो महज दो दिनों में 21 लोगों की जान गई है। सोमवार को 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 6 उफनाती नदी और नालों में बह गए। आपको बता दें कि मानसून 24 जून को हिमाचल पहुंचा था, जिसके बाद से अब तक कुल 63 लोगों की जान जा चुकी है। भूस्खलन के चलते मंगलवार को सुबह तक तकरीबन 1239 सड़कें यातायात के लिए बाधित थीं। इस बीच 2577 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं, जिसके चलते कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति भी बाधित है। रिपोर्ट्स के अनुसार शिमला में सबसे अधिक 581, मंडी में 200, चंबा में 116, सिरमौर में 101, हमीरपुर और लाहौल स्पीति में 97 सड़कें बंद पड़ी हैं। इस बीच 1400 से अधिक जल आपूर्ति की योजनाएं भी बंद पड़ी हुई हैं। बारिश और बाढ़ के कहर के चलते ही श्रीखंड महादेव की पवित्र यात्रा को भी स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इस बीच जो भी यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मौसम के साफ होते ही इन्हें वापस लाया जाएगा। वहीं इस बीच नाहन में गिरी नदी के बीच जो लोग टापू पर फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित निकालने का अभियान भी जारी है। इसमें से कुछ लोगों के बीमार होने की जानकारी भी मिल रही है, जिन्हें ड्रोन के माध्यम से दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। ओ भाई साहब, ओ फसीहे।